नमस्कार दोस्तों, अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के प्रतापगढ़ में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक मौलाना की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान मौलाना फारूक के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक मौलाना फारूक अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। घटना को लेकर इलाके में तनाव व्याप्त हो गया है। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए हैं और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण पुलिस को शव उठाने नहीं दे रहे हैं, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। इस घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए हैं और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रही हैं। ग्रामीण पुलिस को शव उठाने नहीं दे रही हैं, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े एक मौलाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरे प्रतापगढ़ में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। फिलहाल दोस्तों, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपियों ने किस लिए मौलाना की हत्या की है, इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों पूरे इलाके में हाहाकार मच रहा है। फिलहाल दोस्तों, ग्रामीण शव को उठाने नहीं दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, पुलिस ग्रामीणों को समझाने में लगे हुए हैं और दूसरी और दोस्तों एक टीम भी गठित कर दी गई है जो आरोपियों की तलाश कर रही है। जगह जगह दबिश दी जा रही है। बहुत बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। आप मेरा कमेंट में जरूर लिखें।